हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं पंचविध कषाय कल्पना के अंतर्गत क्वाथ कल्पना। पिछले लेक्चर में हमने स्वरस कल्पना, कल्क कल्पना, चूर्ण कल्पना पढ़ी है, तो आज के लेक्चर में हम क्वाथ कल्पना पढ़ने वाले हैं। तो क्वाथ का मीनिंग क्या है, क्वाथ को सिंपल लैंग्वेज में क्या कहते हैं, क्वाथ की निर्मिति कैसे की जाती है, क्वाथ की मात्रा क्या है, क्वाथ बनाते समय कितना प्रमाण में उसमें जल डालना चाहिए, या क्वाथ निर्मिति के बाद हमें कौन से बातों का ख्याल रखना चाहिए, उसके अलावा क्वाथ क्लिनिकल यूटिलिटी के साथ किस तरह कौन से डिसऑर्डर्स में यूज़ किया जाता है, इसके बारे में हम आज के लेक्चर में जानकारी लेने वाले हैं फ्रेंड्स। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक क्वाथ कल्पना। तो क्वाथ का सिंपल मीनिंग होता है डिकॉशन। कोई भी मेडिकेटेड ड्रग का हम डिकॉशन बनाते हैं तो उसे हम क्वाथ कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, आपको क्लियर हो गया क्वाथ का मीनिंग, क्वाथ किसे कहते हैं, क्वाथ का मीनिंग हो गया डिकॉशन। तो आगे देख लेते हैं कि क्वाथ किस तरह से बनाया जाता है उसके बारे में। तो आप यहाँ देख सकते हैं, एक पिक्चर में आपको दिख रहा होगा कि एक वेसल रखा है गैस के ऊपर और उसमें आपको कुछ मेडिकेटेड ड्रग दिख रहा है विथ पोरिंग ऑफ वाटर। ये है त्रिफला क्वाथ, इसे हम कहते हैं त्रिफला क्वाथ। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि त्रिफला का भरड़ चूर्ण इस्तेमाल किया गया है और उसमें वाटर डाल के उसको गैस के ऊपर माइल्ड फ्लेम पे रखा है। एक आपके माइंड में रफ पिक्चर क्लियर होगा कि क्वाथ किससे कहते हैं या डिकॉशन किससे कहते हैं। इसकी बनाने की प्रोसेस हम आगे देखते हैं। तो क्वाथ को हम डिकॉशन कह सकते हैं। तो क्वाथ के पर्याय आचार्यों ने शास्त्र में क्या बताया है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। क्वाथ के लिए आचार्य ने 3 पर्याय शब्द दिए, जैसे कि श्रुत बताया है, कषाय बताया है, निर्व्यूह बताया है। क्वाथ तो ऑलरेडी पर्याय है क्वाथ का, लेकिन मेनली 3 पर्याय है, जैसे कि श्रुत, क्वाथ, कषाय और निर्व्यूह। ये हो गए क्वाथ के 4 पर्याय। श्रुत, क्वाथ, कषाय और निर्व्यूह, ये 4 पर्याय है। अर्थात क्वाथ के अन्य 3 और नाम भी है। अब क्लियर हो गए 3 पर्याय कौन से हो गए प्रेजेंट फ्रेंड्स, अभी पर्टिकुलरली हो गए श्रुत, कषाय और निर्व्यूह। तो क्वाथ की परिभाषा क्या है, क्वाथ किस तरह से निर्मित किया जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कोई भी शुष्क द्रव्य हो, आर्द्र द्रव्य हो, उसको हमें पहले साफ करना है। साफ करने के बाद उसे हमें एवकुट चूर्ण करना है इमाम दस्ते में रखकर। इमाम दस्ते में रखने के बाद उसको अच्छी तरह से कूटना है जब तक वो एवकुट चूर्ण नहीं होता। एवकुट का मतलब है भरड़ चूर्ण, उसका साइज रिडक्शन करना है हमें। जितना हमें उसे अच्छी तरह से साइज रिडक्शन करते हैं, उतनी अच्छी क्वांटिटी में हमें क्वाथ की क्वालिटी मिलेगी और पोटेंसी मिलेगी। तो हमें वो द्रव्य अच्छी तरह से एवकुट करना है। एवकुट करने के बाद हमें उसे एक मृत पात्र में डालना है। मृत पात्र में डालने के बाद हमें उसमें द्रव्य के अकॉर्डिंग जल का प्रमाण डिसाइड करना है। तो जल का प्रमाण कितना लगेगा ये हम अब थोड़ा सा देख लेते हैं। उसके पहले एक श्लोक आया है, उसका मीनिंग हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि श्लोक का मीनिंग क्या है। श्रुतः क्वातः कषायश्च निर्व्यूह स निगद्यते, ये शारंगधर संहिता मध्यम खंड के अंतर्गत श्लोक आया है। तो उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। श्रुत, क्वाथ, कषाय, निर्व्यूश्च, ये पर्याय शब्द है क्वाथ के जो हमने ऊपर पढ़े थे। कौन से पर्याय फ्रेंड्स, श्रुत, क्वाथ, कषाय और निर्व्यूह। तो उसके बाद एक यहाँ पे आचार्य ने बताया कि एक श्लोक, तो क्वथितम द्रव्यम श्रुतम आहु चिकित्सक, इसका मीनिंग थोड़ा सा जान लेते हैं कि इसका मीनिंग पर्टिकुलरली आचार्य ने क्या बताया है। यहाँ पे तो क्वथितम का मीनिंग होता है कि कोई भी द्रव्य लेके उसको अच्छी तरह से उबालना है। उबालने के बाद जो बाय प्रोडक्ट मिलता है उसे हम श्रुत कहते हैं या क्वाथ कहते हैं, ऐसे आचार्य हमें बताते हैं। ये चरक सूत्रस्थान 4 अध्याय का श्लोक है, उसके अंतर्गत हमें रेफरेंस देखने को मिलता है। तो क्वाथ निर्मिति के समय जल की मात्रा कितनी रहनी चाहिए, अमाउंट ऑफ प्रोपोर्शन, वाटर कितना डालना चाहिए, इसके बारे में आचार्य हमें बताते हैं। लेकिन वाटर कंटेंट क्वाथ में डिसाइड करने से पहले हम क्वाथ बनाने के लिए कौन सा द्रव्य इस्तेमाल कर रहे हैं, मृदु द्रव्य इस्तेमाल कर रहे हैं, मध्यम द्रव्य या कठिन द्रव्य, ऐसी 3 कैटेगरी आचार्य ने द्रव्य की है डिपेंडिंग अपॉन इसका टेक्सचर और इसकी कंसिस्टेंसी। समझो हम मृदु द्रव्य लेते हैं तो उसमें हमें 4 गुना जल डालना है, मध्यम द्रव्य लेते हैं कंसिस्टेंसी तो उसमें 8 गुना जल डालना है, और कठिन द्रव्य लेते हैं तो उसमें हमें 16 गुना जल डाल के क्वाथ की निर्मिति करनी है। तो देख लेते हैं कि आचार्य उसके बारे में हमें और क्या बताते हैं। तो क्वाथ निर्माणार्थ किस द्रव्य के तथा किस में कितना जल डालना है, यह वैद्य को खुद के
बुद्धि के ऊपर युक्ति संगत विचार करके डिसाइड करना है, ऐसे आचार्य बताते हैं। ओके, क्योंकि हम क्वाथ निर्माण करते समय अग्नि का इस्तेमाल करते हैं, मृदु अग्नि देके जो कुछ एक्टिव प्रिंसिपल्स रहते हैं मेडिकेटेड ड्रग में, वाटर में हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ये ओवरऑल क्वाथ का एक रफ डेफिनेशन हो सकता है, रफ प्रोसेस हो सकता है। तो यहाँ पे तीन कैटेगरी में द्रव्य आचार्य ने बांटे हैं, पर्टिकुलरली एक है मृदु द्रव्य, मध्यम द्रव्य और कठिन द्रव्य, डिपेंडिंग अपॉन उसे हम कह सकते हैं कि टेक्सचर या कंसिस्टेंसी। ओके फ्रेंड्स, ये दो फैक्टर है द्रव्य की कैटेगरी डिसाइड करने के लिए कि कौन सा द्रव्य मृदु है, कौन सा द्रव्य मध्यम है, कौन सा द्रव्य कठिन है। ओके, तो आगे देख लेते हैं कि उसमें जल प्रमाण कितना है। मृदु द्रव्य के लिए 4 गुना जल देना चाहिए, मध्यम द्रव्य के लिए 8 गुना और कठिन द्रव्य के लिए 16 गुना, ये आचार्यों ने यहाँ पे बताया। आपको क्लियर हो गया, मृदु द्रव्य रहता है तो हम क्वाथ निर्मिति के लिए 4 गुना जल यूज करेंगे, मध्यम द्रव्य रहता है तो 8 गुना जल और कठिन द्रव्य रहता है तो 16 गुना जल हम इस्तेमाल करेंगे फ्रेंड्स। लेकिन ये नियम सर्वत्र लागू नहीं होता है। यदि मृदु द्रव्य 1 तोले से परिमाण में हो तो वहां पे जल 16 गुना चाहिए, 5 से 16 तोला उसका प्रमाण रहता है तो वहां पे 8 गुना जल, और द्रव्य 16 तोले से अधिक हो तो वहां पे जल 4 गुना लेना चाहिए, ऐसे आचार्य का मत है। तो एक देख ले थोड़ा सा कि मृदु द्रव्य भी तोले से परिमाण में हो, 1 तोला, 1 तोला परिमाण होता है तो वहां पे हमें 16 टाइम्स जल लेना है। तो 1 तोला का मीनिंग होता है 10 ग्राम, मतलब 10 ग्राम जल के लिए हम 10 ग्राम मृदु द्रव्य के लिए हम 16 गुना जल डालेंगे। वैसे ही 50 ग्राम से लेके 160 ग्राम द्रव्य रहता है तो वहां पे हम 8 गुना जल डालेंगे, क्योंकि 1 तोला का मीनिंग होता है 10 ग्राम, उस हिसाब से 50 ग्राम और 160 ग्राम हो गया, जैसे कि 5 मल्टीप्लाइड बाय 10 कितना हो गया 50 ग्राम, और 16 मल्टीप्लाइड बाय 10 कितना हो गया 160 ग्राम, यह हो गया तोले का कन्वर्जन ग्राम में। ओके फ्रेंड्स, 1 तोला इज इक्वल टू ऑलमोस्ट होता है 10 ग्राम। तो आगे देख लेते हैं कि 16 तोले से अधिक परिमाण होता है तो वहां पे हम 4 गुना जल लेंगे, 16 तोले से अधिक द्रव्य हो तो वहां पे जल हमें 4 गुना लेना है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे एक श्लोक आया है, उस श्लोक का मीनिंग हम जान लेते हैं। पानीयम षोडश गुणम शून्य द्रव्य पिले क्षिपेत मृतपात्रे क्वाथयेत ग्राह्यम अष्टम अंश शेषितम तज्जलम पाये धीमान कोष्णम मृदु अग्निसादितम। एक क्वाथ की परिभाषा है, उसका मीनिंग जान लेते हैं। पानीयम षोडश गुणम शून्य, मतलब एक द्रव्य, एक पल द्रव्य लेते थे उसमें हमें 16 गुण जल डालना है, उसे मृत पात्र में क्वाथ बनाना है, उसको हमें मृदु अग्नि देनी है। कब तक देनी है? जब तक वो ग्राह्यम अष्टम अंश शेषितम, मतलब ये हमें 1/8 प्रपोर्शन में जब तक नहीं मिलता तब तक। ओके फ्रेंड्स, हमको 1/8 वो रिमेन रखना है। ओके, तो एक पल द्रव्य लेते हैं, एक पल मतलब 4 तोला, तो उसमें हमें 16 गुना जल डालना है और उसको हमको 1/8 रहने तक उसको मृदु अग्नि देनी है और बाद में फिल्टर करके स्टोर करना है, वो अपना हो गया क्वाथ या डिकॉशन या कषाय। तो औषधि का सार भाग क्वाथ में नहीं आता, क्वाथ पिलाते समय दोषों का विचार करके ठंडा या गर्म क्वाथ पिलाए, ऐसा आचार्यों का मत है। हम क्वाथ एडमिनिस्ट्रेशन करते समय दोषों का विचार करने के लिए आचार्य ने कहा है, वात दोष का प्राधान्य रहता है तो वहाँ पे हम थोड़ा सा लिक्वाम क्वाथ दे सकते हैं। कफ विकार में हम थोड़ा सा गर्म क्वाथ देना ही पसंद करेंगे, क्योंकि कफ के कारण अवरोध उत्पन्न रहता है तो वो दूर करने के लिए हमें थोड़ा सा उष्ण गुण की जरूरत रहती है, इसलिए हम थोड़ा सा उष्ण क्वाथ इस्तेमाल करेंगे, ऐसा आचार्य बताते हैं। तो क्वाथ की मात्रा कितनी है, क्वाथ की मात्रा, क्वाथ का डोसेज कितना है, इसके बारे में आचार्य हमें बताते हैं कि क्वाथ की मात्रा है
डोसेज है, मात्रा का मीनिंग होता है डोसेज, ऑलमोस्ट 4 तोला, लेकिन कुछ आचार्य 8 तोले की भी मात्रा मानते हैं। 1 तोला मतलब 10 ग्राम, तो 40 ml तक क्वाथ की मात्रा हम कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन कुछ आचार्य कहते हैं कि हम उसको 8 तोले मतलब 80 ml तक भी दे सकते हैं। इसे डिफरेंट डिफरेंट आचार्यों का मत है। तो क्वाथ के डोसेज कितना हुआ एज ए मेडिकेटेड डोज 40 to 80 ml। तो क्वाथ का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं फ्रेंड्स। क्वाथ का उपयोग रोगी को पिलाने के अतिरिक्त निम्नलिखित कार्यों के लिए भी क्वाथ का उपयोग होता है, जैसे कि अवगाहन, परिसेशन और अश्रोतन। अवगाहन मतलब क्वाथ से हम पेशेंट को एक्सटर्नल सरफेस वॉश करते हैं। परिसेचन का मतलब जो कुछ अफेक्टेड वुंड्स रहते हैं, इन्फेक्टेड वुंड्स रहते हैं, उस कंडीशन में इन्फेक्टेड वुंड वॉश करने के लिए, उनको क्लीन करने के लिए हम मेडिकेटेड कषायम या क्वाथ यूज कर सकते हैं। अश्रोतन एक नेत्र की पंचकर्म बोल सकते हैं, वे उपकर्म बोल सकते हैं, नेत्रकल्पना बोल सकते हैं। उसके अंतर्गत हम नेत्र दृष्टि के विकार में अकॉर्डिंग टू दोष हम मेडिकेटेड क्वाथ या कषायम यूज करके नेत्र धावन कर्म करते हैं, उसे हम अश्रोतन कर्म कहते हैं। ओके फ्रेंड, जैसे कि नेत्र में कफ दृष्टि ज्यादा है तो वहां पे हम त्रिफला कषाय का इस्तेमाल करके वो दोष दृष्टि दूर करते हैं। तो आगे देख लेते हैं कि व्रण प्रक्षालनार्थ जो इन्फेक्टेड वुंड्स रहते हैं, जैसे कि डायबिटिक अल्सर के हो गए, डायबिटिक फुट के हो गए, या इन्फेक्टेड वुंड्स ड्यू टू इंजुरी, वो वॉश करने के लिए हम जो कुछ कषाय वृंदारोपण के काम करते हैं, जैसे कि खदीर हो गया या निम्बक क्वाथ हो गया या हरिद्रा क्वाथ हो गया, इस तरह के मेडिकेटेड कषाय यूज करके वो वुंड वॉश करते हैं। घृत तेल पाकार्थ यहाँ पे आचार्य ने कहा है, घृत तेल पाकार्थ असो अरिष्ट निर्माणार्थ अवलेह रसक्रिया निर्माणार्थ। इसका थोड़ा सा मीनिंग जान लेते हैं कि घृत और तेल कल्पना स्नेह कल्पना के अंतर्गत आती है। स्नेह कल्पना निर्माण करते समय हमें स्टेप वाइज स्नेह कल्पना के प्रोसेस है, जैसे कि हमें पहले तेल सिद्धि करनी पड़ती है, एक तरफ तेल सिद्धि करने के लिए उसमें कल्क डालना पड़ता है या मूर्छित द्रव्य डालने पड़ते हैं, उस तरह हमें क्वाथ भी सिद्ध करना पड़ता है कि कुछ घृत तेल में कुछ क्वाथ द्रव्य बताए रहते हैं। तो उस समय पे एज अ मिडल स्टेप या इंटरमीडिएट स्टेप बोल के हमें क्वाथ निर्मित करनी पड़ती है, उसलिए आचार्य ने यहाँ पे कहा है कि घृत तेल पाकार्थ, घृत निर्माण करते समय और तेल निर्माण करते समय हमें क्वाथ निर्मित करनी पड़ती है। उसके अलावा आसवारिष्ट निर्माण, आसवारिष्ट निर्माण एक एक्चुअली संधान कल्पना आती है जिसे हम फर्मेंटेशन प्रोसेस कहते हैं, जिसमें हम धात के पुष्प यूज करके 30 to 45 days में संधान कल्पना या आसवारिष्ट निर्माण करते हैं। उसके लिए भी एज ए इंटरमीडिएट स्टेप हम क्वाथ इस्तेमाल करते हैं, इसलिए आचार्य ने कहा कि आसवारिष्ट निर्माणार्थ। ये एक्चुअली हम आर्टिफिशियल तौर पे अल्कोहल प्रोडक्शन करते हैं धात की पुष्प डाल के, फर्मेंटेशन प्रोसेस उसे कहते हैं। इसमें अल्कोहल का प्रोपोर्शन 11 to 15% तक रहता है, ऑलमोस्ट 30 to 45 days में ये मेडिसिन बनके तैयार होती है, उसे हम आसोअरिष्ट कहते हैं। तो एज अ इंटरमीडिएट स्टेप बोल के हम यहाँ पे क्वाथ कल्पना निर्माण के लिए यूज करते हैं। अवलेह रस क्रिया निर्माणार्थ, आपने च्यवनप्राश का नाम सुना होगा, च्यवनप्राश एक प्रकार का अवलेह है या वासावले भी हो सकता है। च्यवनप्राश आप एज अ टंग के थ्रू चाट के इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन लेते हैं। लेह का मतलब होता है कि चाटना, जो कुछ मेडिसिनल ड्रग से हम चाट के लेते हैं विद द हेल्प ऑफ टंग, वो है अवलेह। तो अवलेह निर्मित करते समय भी हमें क्वाथ निर्माण करना पड़ता है, उसलिए आचार्य ने बताया कि अवलेह निर्माणार्थ भी हमें क्वाथ की उपयुक्तता होती है। इस तरह अलग अलग औषध कल्प के निर्माणार्थ क्वाथ की भूमिका महत्वपूर्ण रहती है, जैसे कि गुटे निर्माण करना है वहाँ पे भी हम क्वाथ का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वाथ अच्छी तरह से एवापोरेट करके हम उसको गुटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। उस तरह हम घन का भी संकल्पना है जहाँ पे हम एक्सट्रैक्ट के तौर पे जो कुछ मेडिसिन का एक्सट्रैक्ट है, एक्टिव प्रिंसिपल है, वो क्वाथ से निर्मित करके उसको हम घन में कन्वर्ट करते हैं, सत्व भी कहते हैं, जैसे कि गुड़ीची घन हो गया। गुड़ीची घन निर्माण करने के लिए हमें गुड़ीची 4 गुना जल लेना है, उसको अच्छी तरह से एवापोरेट करना है। एवापोरेट करने के बाद जो गुड़ीची एज अ मेन इन्ग्रीडियंट है वो सॉलिडिफाई होगी, सॉलिडिफाइड होने के बाद उसे हम कहते हैं घन कल्पना। ओके फ्रेंड्स, इस तरह क्वाथ अलग अलग जगह पे हमें इंटरमीडिएट प्रोसेस में उपयुक्त होती है। तो क्वाथ में प्रक्षेप का मान, क्योंकि स्वरस और कल्क कषाय पढ़ते समय हमने पढ़ा है कि प्रक्षेप द्रव्य क्या रहते हैं। एक ऐसे कुछ मेडिकेटेड ड्रग्स रहते हैं जिसका इस्तेमाल करके
हम जो कुछ मेन प्रोडक्ट है उसकी लाइफ टाइम बोलो, पोटेंसी बोलो, उसका कलर बोलो, टेक्सचर बोलो या सुगंध बोलो, ये सब बढ़ाते हैं, लाइफ टाइम बढ़ाते हैं, उसे हम प्रक्षेप द्रव्य कहते हैं। तो क्वाथ में प्रक्षेप द्रव्य का प्रमाण क्या है, इसके बारे में आचार्य क्या कहते हैं, थोड़ा सा जान लेते हैं। क्वाथ में चीनी मिलानी हो तो उसे दोषानुसार मिलावे। वात रोग में क्वाथ से चतुर्थांश, पित्त रोग में अष्टमांश, कफ रोग में षोडशांश। समझो हम क्वाथ में शक्कर डालते हैं तो वैसे प्रक्षेप, तो दोषानुसार मिलाने के लिए कहा है, तो वात दोष रहता है, तो क्वाथ में हम 1/4 प्रमाण में शक्कर डालेंगे। पित्त रोग रहता है तो वहां पे हम 1/8 प्रपोर्शन में डालेंगे, और कफ रोग रहता है तो 1/16 अमाउंट में हम उसमें शक्कर ऐसे प्रक्षेप डालेंगे। ओके फ्रेंड्स, उसी तरह हम शहद समझो प्रक्षेप द्रव्य के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, तो शहद इस्तेमाल करते समय, हमें इस बातों का ध्यान रखना जरूरी है। शहद मिलाना हो तो वात रोग में षोडशांश, पित्त विकार में हम अष्टमांश और कफ विकार में षोडशांश मिलाते हैं। षोडशांश मिलाते हैं। तो शहद मिलाना है तो वात रोग में 1/16, पित्त विकार में 1/8 और कफ विकार में 1/4, उसका प्रक्षेप प्रमाण आचार्यों ने बताया है। तो क्वाथ में कुछ और भी प्रक्षेप द्रव्य बताए, जैसे कि जीरा हो गया, गुगुल हो गया, क्षार हो गया, नमक हो गया, शिलाजीत, हिंग, त्रिकटु एवं अन्य द्रव्यों का चूर्ण एक शान की मात्रा में आचार्य ने मिलाने के लिए बताया है। जैसे जीरा है, गुगुल है जिसे हम कॉमिफोरम मुकुल कहते हैं, एक प्रकार का निर्यासीय वनस्पति का, क्षार है, नमक है, शिलाजंतु ये भी पहाड़ों से मिलने वाला खनिजीय निर्यास है, हिंग, त्रिकटु जिसमें सुंठ, मीरे, पिपली ये तीन द्रव्य आती है, ये सब द्रव्य डालते हैं तो उसका प्रमाण एक शान मात्रा आचार्य ने बताई है। तो लिक्विड मीडिया हम जो डालते हैं, दुग्ध, गुड़, तैल और घृत और गोमूत्र डालते हैं, तो उसका प्रमाण क्वाथ में एज प्रक्षेप 1 तोला आचार्यों ने हमें बताया है। 1 तोला का मतलब होता है कि 10 ग्राम के प्रमाण में दुग्ध, घृत, तैल और गोमूत्र क्वाथ में प्रक्षेप के तौर पर मिला सकते हैं। क्वाथ की मध्य मात्रा आचार्य ने कितनी बताई है, 4 तोला। यहाँ पे आचार्य कहते हैं कि आप एरंड तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं और गोमूत्र का भी इस्तेमाल आप एज अ प्रक्षेप में कर सकते हैं, ऐसा आचार्य हमें बताते हैं। तो एरंड तेल इस्तेमाल करने का महत्व क्या है या गोमूत्र इस्तेमाल करने का महत्व क्या है, हमें इसके बारे में थोड़ा सा हमें जानना इम्पोर्टेंट है। एरंड ये जो है उत्कृष्ट वातहर द्रव्य बोला है, और तेल तो वातहर द्रव्य में श्रेष्ठ बता है, तो वात व्याधि रहती है तो उस कंडीशन में हमें एरंड तेल का प्रमाण बढ़ाना है क्वाथ पे प्रक्षेप के तौर पर। वैसे ही कफ विकार रहते हैं तो वहां पे हमें गोमूत्र का प्रमाण बढ़ाना है एज अ प्रक्षेप द्रव्य, क्योंकि गोमूत्र रुक्ष बताया है जो कफ का छेदन कर्म करता है, कफ का विलयन कर्म करता है, जो कुछ ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस हुआ है कफ दोष के कारण वो दूर करता है, और जो कुछ व्याधि की संप्राप्ति घटी है उसको दूर करने में, विघटन करने में गोमूत्र हमें कफ विकार में मदद करता है। तो इस तरह आचार्यों ने वात रोग में, पित्त रोग में, कफ रोग में डिफरेंट डिफरेंट प्रक्षेप का प्रमाण बताया है। चीनी डालना है तो उसका प्रपोर्शन बताया, शक्कर डालना है, शक्कर मतलब चीनी, उसका ही प्रोपोर्शन बताया है कि वात में आप 1/4, पित्त में 1/8, कफ में 1/16। शहद डालते हैं तो उल्टा प्रमाण बताया है, वात विकार में 1/16, पित्त विकार में 1/8 और कफ विकार में 1/4। और कुछ सॉलिड ड्रग्स भी बताया है, वो एक एक शान की मात्रा में हम प्रक्षेप के तौर पे यूज कर सकते हैं। और कुछ लिक्विड क्वाथ भी प्रक्षेप के तौर पे बताया है, जैसे कि दुग्ध, गुड़, तेल और घृत और गोमूत्र 1 तोला की मात्रा में बताया है, और गोमूत्र और एरंडा तेल का भी आचरण यहाँ पे हमें एग्जाम्पल दिया है। तो आगे देख लेते हैं कि
ओवरऑल प्रोसेस क्या होती है कि क्वाथ निर्मिति के समय हम किस तरह से क्वाथ निर्मिति करते हैं। क्वाथ निर्मिति करते समय हम मृदुअग्नि का इस्तेमाल करते हैं। तो क्वाथ निर्मिति करते समय हम कुछ सुगंधित द्रव्य या जो द्रव्य में उड़नशील तेल रहते हैं वो इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि हीट देने की वजह से उनका जो वोलाटाइल ऑयल रहता है या एक्स्ट्रैक्ट रहता है वो हीट के कारण एवेपोरेट होता है, तो मेडिसिन की पोटेंसी रिड्यूस हो जाती है। तो उड़नशील द्रव्य रहते या सुगंधित द्रव्य रहते तो उनकी कल्पना बनाने रहे तो हम अर्क कल्पना, जैसे हम डिस्टिलेशन प्रोसेस से बनाते हैं, डिस्टिलेट्स बोलते हैं, फिल्ट्रेट्स बोलते हैं, वो कल्पना बना सकते हैं, या उससे हम कल्क कल्पना बना सकते हैं या चूर्ण कल्पना बना सकते हैं, लेकिन उससे हम क्वाथ कल्पना नहीं बना सकते क्योंकि वो एवापोरेट हो जाते हैं, मेडिकेटेड एक्सट्रैक्ट जो रहते हैं वो। तो क्वाथ की मध्यम मात्रा आचार्य बताते हैं कि 1 पल मात्रा में क्वाथ आप ले सकते हैं। 1 पल मतलब 4 तोला, ये हो गई क्वाथ की मध्यम मात्रा। यहाँ पे कुछ सुगंधित द्रव्य का उन्होंने आचार्य ने बताया कि जो कुछ सुगंधित द्रव्य रहते हैं उनके द्रव्य उड़ जाते हैं, वापरेट हो जाते हैं, इसलिए आप उससे क्वाथ कल्पना नहीं बना सकते। तो अन्य कल्पना आचार्य निर्माण करने के लिए हमें यहाँ पे बताते हैं, जैसे कि गुलाब हो गया, लवंग हो गया, सर्व ये सब जो द्रव्य है सुगंधित द्रव्य है, इसमें एक्सट्रैक्ट सेंटेड तौर पर रहता है और ओलाटाइल ऑयल्स भी रहते हैं, उड़ जाते हैं, इसलिए हम इससे क्वाथ कल्पना नहीं बनाएंगे, उससे हम अर्क कल्पना बनाएंगे, कल्क कल्पना बनाएंगे, चूर्ण कल्पना बनाएंगे। इस बात का हमें क्वाथ कल्पना निर्माण करते समय ध्यान रखना है। उसी तरह कुछ प्रिकॉशंस है, क्योंकि क्वाथ कल्पना निर्माण करते समय हमें मृत पात्र का ही इस्तेमाल करने के लिए आचार्य ने बताया है। मृत पात्र क्यों? क्योंकि मृत पात्र इनर्ट रहता है, यहाँ पे जो कुछ मेडिकेटेड ड्रग्स है और जो मृत पात्र का सरफेस है इसके बीच में रिएक्शन नहीं होती। समझो हम वेसल मेटल्स की यूज करते हैं, वहाँ पे रिएक्शन होने की वजह से जो कुछ ओवरऑल क्वाथ की क्वालिटी है वो अफेक्ट हो सकती है, उसका जो कुछ केमिकल स्ट्रक्चर है वो बदल सकता है। इसका ध्यान हमें रखना है कि क्वाथ निर्मिति करते समय हमें इसमें सिर्फ मृत पात्र का इस्तेमाल करना है। उस तरह हमें अग्नि का भी ध्यान रखना जरूरी है। क्वाथ निर्मिति करते समय हमें मध्यम मात्रा में या मृदु मात्रा में ही अग्नि देने के लिए आचार्य ने कहा है। मृदु अग्नि का मतलब होता है कि आप 85 डिग्री से लेकर 95 डिग्री तक ही अग्नि का प्रमाण मेंटेन रखें। तीव्र अग्नि हमें क्वाथ निर्मिति समय इस्तेमाल नहीं करना है। उसी तरह जल का प्रपोर्शन भी आचार्य ने बताया, जिस तरह जो कुछ जल द्रव्य के अनुसार बताया उसका ध्यान रख के हमें क्वाथ निर्मिति करनी चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो आगे देख लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स आए हमारे पास पुनर्नवाष्टक क्वाथ, इसका हम थोड़ा सा विचार कर लेते हैं कि किस तरह पुनर्नवाष्टक क्वाथ क्लिनिकली इस्तेमाल हो सकता है। कषायम यहाँ पे आया है कि पुनर्नवादी कषायम, क्योंकि क्वाथ का एक पर्याय शब्द आचार्य ने बताया कि कषायम, तो इसलिए पुनर्नवादी कषायम। तो इसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ लेते हैं, इसमें इंग्रेडिएंट्स के तौर पे क्या क्या आए उसको, एक है पुनर्नवा, दूसरे निम्बत्वक, पटोल लता पत्र, शुंठ, कुटकी, गुड़ुची कांड, दारू हरिद्रा और बड़े हरे के फलत्वक। तो ये 8 इंग्रेडिएंट्स आए हैं पुनर्नवाष्टक क्वाथ में, इसलिए ने पुनर्नवाष्टक क्वाथ बोला है। अष्टक क्यों बोला है? इसमें 8 द्रव्य इस्तेमाल किए, इसे इसे आचार्य ने इसे अष्टक की संज्ञा दी है। बड़े हरे के फल त्वक मतलब जो हिरडा रहता है उसका हम स्किन यूज कर सकते हैं, उसकी त्वक यूज कर सकते हैं, इसलिए इसे आचार्य ने बड़े हरे की फलत्वक ऐसा बताया है। ओके फ्रेंड्स, तो इसकी ओवरऑल प्रोसेस जान लेते हैं। आचार्य क्या कहते हैं, ये 8 द्रव्य प्रत्येक समभाग में लेकर कोट कर यवकुट चूर्ण करना है। यवकुट मतलब उसका साइज रिडक्शन करना है, उसका साइज इतना रहना चाहिए कि जो उसके एक्टिव प्रिंसिपल से वो क्वाथ निर्मिति करते समय उसमें उतरने चाहिए वाटर में, ठीक है। तो यवकुट का मीनिंग होगा अच्छी तरह से हमें मोटा चूर्ण उसका बनाना है, मोटा चूर्ण को यवकुट कहते हैं, थोड़ा सा मोटा मोटा चूर्ण उसका हमें बनाना है, सूक्ष्म चूर्ण भी हमें नहीं बनाना है क्योंकि उससे हमें क्वाथ फिल्टर करते समय दिक्कत होती है, इसलिए क्वाथ बनाते समय हमें सिर्फ मोटा द्रव्य का ही चूर्ण बनाना है जो साइज में थोड़ा सा मोटा हो, नहीं तो फिल्ट्रेशन करते समय हमें दिक्कत होती है, उससे हमारा लॉस भी हो सकता है। तो ओवरऑल प्रोसेस देख लेते हैं कि यवकुट चूर्ण का प्रमाण 40 ग्राम बताया आचार्य ने इस द्रव्य का, और उसको मिट्टी की नई हांडी में रखकर 16 गुना जल, मिट्टी की नई हांडी में रखकर 16 गुना जल अर्थात जल मिलाकर रात भर भिगावे। आचार्य कहते हैं कि ये सब द्रव्य 40 ग्राम के प्रमाण में लेने हैं आपको, 8 द्रव्य उसको अच्छी तरह से यवकुट चूर्ण बनाना है और उसको रात भर एक नए मटके में 16 गुना जल डाल के सो करके रखना है। रात आचार्य इसलिए सो करने के लिए रखते हैं कि जो ओवरऑल एक्टिव प्रिंसिपल से मेडिकेटेड ड्रग्स थे ओवर द नाइट वो वाटर में
आ जाए, उसका जो कुछ प्रपोर्शन है वाटर में एक्सट्रैक्ट हो जाए, इसलिए आचार्य बोलते हैं कि उसको ओवर द नाइट सोक करना है। सोक करने के बाद सुबह आप उसको मृदु अग्नि दे के उसको क्वाथ निर्मिति कर सकते हैं। बाद में फिल्टर करके आप उसको एज अ पुनर्नाष्टों का यूज करते हैं। सोडा जल डालने के बाद अपने को कितना शेष रखना है, हम उसको 1/4 अमाउंट में शेष रखते हैं, 40 ml आचार्य ने बताया है इसका, क्योंकि 8 द्रव्य है, 8 द्रव्य ऑलमोस्ट 40 मात्रा में, तो ये होगा 320 का ऑलमोस्ट 1/8 रखने के लिए कहते हैं, तो हमको ऑलमोस्ट 40 ml एक काढ़ा रखना है। यहाँ पे आचार्य कहते हैं कि 1/8 शेष रखना है हमें क्वाथ निर्मिति होते समय। ओके, तो पुनर्नवाष्टक काढ़ा कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि पुनर्नवाष्टक काढ़ा मेडिकली या क्लिनिकल यूटिलिटी के हिसाब से हम कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि सर्वांग शोथ हो गया, उदर रोग हो गया, कास, शूल, श्वास, पांडु रोग, ये सब विकार में पुनर्नवाष्टक काढ़ा इस्तेमाल होता है। तो सर्वांग शोथ क्या है, एक ऐसी बीमारी है जिसमें पेशेंट के बॉडी में वाटर डिपॉजिट होना चालू होता है, जो कुछ सबक्यूटेनियस टिश्यूज रहते हैं वहाँ पे वाटर डिपॉजिट होना चालू होता है, उसकी वजह से पेशेंट के हाथ पैरों पे सूजन आ सकती है, चेहरे पे सूजन आ सकती है। तो उस कंडीशन में पुनर्नवा एज अ डायुरेटिक काम करता है। पुनर्नवा में जो एक्टिव इंग्रेडिएंट बना है पुनर्नवाविन, वो डायोरेसिस का काम करके बॉडी के सबक्यूटेनियस टिश्यूज में जो कुछ फ्लूड जमा है उसको वॉश आउट करने के लिए मदद करता है। इसलिए पेशेंट की जो कुछ ओवरऑल बॉडी सरफेस पे स्वेलिंग जहाँ कहीं भी होगी, हाथ पैर पे होगी, फेस पे होगी, वो कम होने के लिए हमें मदद होती है। उसके अलावा उदर रोग कहाँ है, उदर रोग एक पेरिटोनियल कैविटी अपनी जो एब्डोमेन की रहती है वहाँ पे एसाइटिक फ्लूड जमा होता है, उसे हम एसाइटिक फ्लूड कहते हैं। इसलिए पेशेंट का एब्डोमिनल गर्थ बढ़ती है। एब्डोमिनल गर्थ बढ़ने की वजह से पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होना या पेशेंट को डाइजेशन में प्रॉब्लम होना, मोशन पास करने में प्रॉब्लम होना, मलमूत्र विसर्जन जो क्रिया होती है वो प्रॉपरली नहीं होती, पेशेंट को पूरा डिस्कम्फर्ट प्रोड्यूस होता है और उसका डाइजेशन भी अफेक्ट होता है। उस कंडीशन में जो कुछ पेरिटोनियल कैविटी में एसिडिक फ्लूड जमा है उसको वॉश आउट करने के लिए भी पुनर्नवा हमें मदद करता है। इसमें एज ए एक्टिव इंग्रेडिएंट सूंठ बताए, जो उत्कृष्ट वातानुलोमक द्रव्य है, उसकी वजह से पेशेंट के बॉडी में जहाँ कहाँ पे भी वात के रिगार्डिंग पेन हो रहा है वो कम होने के लिए हमें मदद होती है। उसके अलावा जो कुछ तीक्ष्ण उष्ण द्रव्य बताए वो श्वास और कास में हमें श्वास और कासहर एज अ प्रॉपर्टी दिखाते हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ इंग्रेडिएंट्स है जैसे कि शुंठ हो गई या गुड़चिकांड हो गया, ये हमें वायरल प्रॉपर्टीज़ दिखाते हैं। और पांडुरोग में भी पेशेंट पांडुरोग जैसे हम एनीमिया कहते हैं, जिसमें पेशेंट के HB परसेंटेज या शरीर में रक्त का प्रमाण कम होता है, रक्त का प्रमाण कम होने की वजह से पेशेंट के शरीर पे हमें स्वेलिंग भी दिखने को मिलती है। उसके साथ साथ पेशेंट का जो कुछ चेहरा है या बेड ऑफ नेल्स कह सकते हैं, बेस ऑफ नेल्स कह सकते हैं, वो हमें वाइटिश दिखने लगती है। जो कुछ स्क्लेरा है वहाँ पे भी हमें वाइटिश डिस्कलरेशन देखने को मिल सकता है। उस कंडीशन में हम जो कहाँ पे बॉडी में स्वेलिंग प्रोड्यूस हो चुकी है, जैसे कि हस्तपाद नाभि मेहन पे शोध बोला है एक लक्षण के तौर पे, अक्षिकुट पे भी शोध बता है, तो जहाँ जहाँ हस्तपाद पे स्वेलिंग हो रिड्यूस करने के लिए भी हमें पांडुरोग में पुनर्नवा मदद करती है, पुनर्नष्टक काढ़ा मदद करता है। और अक्षिकुट शोध जो आईबॉल सॉकेट्स होते हैं उसकी स्वेलिंग होती है तो वो रिड्यूस करने के लिए भी हमें पुनर्नष्टकवाद मदद करता है एज अ शोथहर द्रव्य। तो इस तरह हम पुनर्नवाकवाद एज अ डायरोसिस के तौर पर यूज कर सकते हैं, स्वेलिंग जहाँ पे प्रोड्यूस हो रिड्यूस करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या दीपन पाचन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें जो कुछ इंग्रेडिएंट्स है जैसे कि कुटकी है वो एकरुत विरेचक का काम, एकरुत बल्ले का काम करती है, विरेचक का काम करती है, एकरुत में जो कुछ डिफॉर्मिटी है वो दूर करने के लिए हमें मदद करती है। इस तरह हो गया पुनर्नवाष्टक का क्लिनिकल यूटिलिटी। तो आगे एक क्वाथ देख लेते हैं, महारसनादि क्वाथ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक महारसनादि कषाय वैद्यरत्नम कंपनी का मार्केटेड प्रोडक्ट है महारसनादि कषाय बोल के, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम जानकारी लेते हैं। तो महारसनादि कषाय में कौन से इंग्रेडिएंट्स आए हैं उसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। जैसे कि रासना हो गया, शटी हो गया, गुड़ुची, पुनर्नवा, बृहति, चव्य, धनिया, नागरमथा, कंटकारी, देवदारू, बड़ीहर, पिपली बड़ी, गोखरू, बलामूल, विधारा, एरंडमूल, सौफ, एवासक, असगंध, शुंठ, शतावरी, वचा, अतीस, वासामूल और अमलतास, ये सारे इंग्रेडिएंट्स है महारसनादि कंटेंट, महारसनादि काढ़ा के मेन इंग्रेडिएंट्स। इसमें आचार्य क्या कहते हैं, इस इनमें से
इनमें से रासना जो कुछ है हमें 100 ग्राम ले और एवासा से बृहति पर्यंत औषधियाँ 50-50 ग्राम में हम लेने के लिए आचार्य ने हमें बताया है। तो रासना हम 100 ग्राम में लेंगे और एवासा से लेके बृहति तक के द्रव्य हम 50 ग्राम में लेंगे। सिर्फ रासना ही हमें 100 ग्राम में लेना है और बाकी एवासा से लेके बृहति तक सब द्रव्य हमें 50 ग्राम मात्रा में लेनी है। उसका क्या करना है, यवकूट चूर्ण करके क्वाथ बनाना है, ठीक है। क्वाथ बना के फिर उसको हमें फिल्टर करके उसमें प्रक्षेप मिलाकर पान करने के लिए आचार्यों ने कहा है। जो कुछ नॉर्मल प्रोसीजर है क्वाथ की, उस तरह से हम महारसनादि काढ़ा बनाते हैं, जो प्रोपोर्शन में हमें द्रव्य आचार्य ने लेने के लिए बताया है उस तरह से। तो महारसनादि काढ़ा कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है, क्लिनिकल यूटिलिटी उसकी क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम जानकारी ले लेते हैं। जैसे कि सर्वांग कंप, जैसे कि बॉडी में ट्रेमर्स वगैरह आते हैं, जो कुछ एक्सट्रीमिटीज रहते हैं, कुछ डिसऑर्डर्स ऐसे रहते हैं कि जहाँ पे पेशेंट के एक्सट्रीमिटीज में हमें ट्रेमर्स देखने को मिलते हैं, तो उस कंडीशन में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं पुनर्नव महारसनादि काढ़ा। पक्षाघात, जो वात विकार बोला है, जहाँ के पेशेंट की जो कुछ हम कहते हैं कि लिम्ब की पावर, जो मोटर पावर अफेक्ट होती है, वहाँ पे हम महारसनादि काढ़ा का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा अवबाहु के एक व्याधि बता है, जहाँ पे हमें शोल्डर जॉइंट की डिफॉर्मिटी देखने को मिलती है, उस कंडीशन में भी हम महारसनादि काढ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रहद्रसी ये भी वात विकार है, जिस कंडीशन में पेशेंट में सियाटिक नर्व इन्वॉल्वमेंट होता है, जिसकी वजह से पेशेंट का जो कुछ गेट रहता है, वो जो गिधाड़ बोलते हैं उसकी तरह वो चलने में उसकी चाल रहती है, तो उस कंडीशन में पेशेंट के लैटरल एस्पेक्ट ऑफ द नी जॉइंट पेन रहता है, रेडिएटिंग पेन रहता है, उस कंडीशन में भी महारसनादि क्वाथ हम एज अ वातहर, शूलहर, बल्ले बोल के इस्तेमाल कर सकते हैं। आमवात, जो कुछ हम रिमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं, रिमेटॉइड आर्थराइटिस में पर्टिकुलरली पेशेंट के बॉडी के स्मॉल जॉइंट और लार्ज जॉइंट दोनों जॉइंट में इन्वॉल्वमेंट होते हैं, जिसमें यूरिक एसिड का प्रोडक्शन बढ़ता है, तो पेशेंट को रेनी सीजन में पर्टिकुलरली जो कुछ जॉइंट्स रहते हैं वो पर्टिकुलरली कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, उसकी जो कुछ आकृति है वो बदल जाती है, उसको पेशेंट को बहुत ज़्यादा प्रमाण में शूल रहता है, पेशेंट बैठ भी नहीं सकता, वो रेनी सीजन में पेन एग्जागरेट होता है, उसमें हमें स्वाइन नेक डिफॉर्मिटी ऐसे कुछ क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिल सकते हैं। जॉइंट का जो कुछ टेम्परेचर है वो भी बढ़ सकता है, वहाँ पे रेडनेस देखने को मिल सकता है, स्वेलिंग देखने को मिल सकती है, उस कंडीशन में हम महारसनादि काढ़ा एज अ वहाँ का शूल कम करने के लिए, वहाँ का जो कुछ टेम्परेचर बढ़ा है उसको कम करने के लिए, या जो कुछ डिफॉर्मिटी प्रोड्यूस हुई है, यूरिक एसिड प्रोडक्शन हुआ, उसको कम करने के लिए हम महारसनादि काढ़ा यूज कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आचार्य ने अधमान बताया है, जंघावाद बताया है, जानुवाद, शुक्र रोग, मेढरवाद। अधमान बल तो एडमिनल डिस्टेशन, जो कुछ पेट में अग्निमान्दे के कारण, दीपन पाचन अफेक्ट होने के कारण गैसेस की निर्मिति होती है, इसलिए पेशेंट को मलमूत्र विसर्जन प्रॉपरली नहीं होता, उस कंडीशन में जो कुछ वात की गति बदल गई है, विकृत हो गई, उसको हम प्राकृत करने के लिए, प्राकृत करके दीपन पाचन करके वात का जो कुछ वहाँ पे स्टोरेज हो चुका है, संचयन हो चुका है, वो वॉश आउट करने के लिए हमको मदद होती है। उसके अलावा जानुवात, जो कुछ वात विकार बता है शरीर में, पर्टिकुलरली लोकल साइड पे जंगा हो गई या जानू हो गया, वहाँ पे शूल वात के कारण प्रोड्यूस होता है, उस कंडीशन में भी हम महारसनादि क्वाथ एज अ वातहर, शूलहर यूज कर सकते हैं। शुक्र रोग और मेढरवात, पर्टिकुलरली रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डिसऑर्डर्स हो गए, जिसमें हम शुक्र की दृष्टि बोल सकते हैं, समझो कुछ दोष दृष्टि होके शुक्र में कुछ डिफॉल्ट निर्माण होता है, जिसकी वजह से पेशेंट को कंसीव होने में दिक्कत वगैरह होती है, तो उस कंडीशन में हम महारसनादि काढ़ा दे सकते हैं, जिससे वात दृष्टि दूर होके शुक्र दृष्टि भी दूर होती है और पेशेंट को कंसीव करने के लिए मदद होती है। और यहाँ पे वंध्या रोग में पर्टिकुलरली आचार्य ने महारसनादि काढ़ा का उपयोग बताया है। क्यों बताया है, क्योंकि वात का प्रमुख स्थान आचार्य ने पक्वाशय, कटिशक्ति, श्रोत्र, अस्थि, स्पर्शेंद्रियम बताए, तो महारसनादि काढ़ा या रासना जो कुछ इंग्रेडिएंट्स बताए पर्टिकुलरली वात दोष पे अच्छी तरह से एक्टिविटी दिखाते हैं, तो वात का जो कुछ प्रभाव क्षेत्र है वहाँ पे कुछ डिफॉर्मिटी वात की गति में प्रोड्यूस होती है, तो वो वात की गति प्राकृत करने के लिए हम महारसनादि काढ़ा यूज कर सकते हैं, जिससे जो कुछ डिफॉल्ट या डिफॉर्मिटीज उत्पन्न हुई वो दूर होकर पेशेंट को कंसीव होने में या इनफर्टिलिटी के डिसऑर्डर्स में हमको महारसनादि काढ़ा यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा योनि रोग बता है, पर्टिकुलरली
चरक संहिता में आचार्यों ने 20 प्रकार के योनि रोग बताए हैं। पर्टिकुलरली योनि रोग में मुख्यतः वात की दृष्टि रहती है। वात के कारण ही अलग अलग तरह के योनि विकार उत्पन्न होते हैं, तो वहाँ पे अलग अलग प्रकार के लक्षण योनि विकार के अंतर्गत हमें देखने को मिलते हैं। उस कंडीशन में भी हम महारासनादि काढ़ा दे के पेशेंट को रिलीफ दे सकते हैं। इस तरह ऐसा ब्रॉड स्पेक्ट्रम रसायन एक्टिविटी दिखाने वाला महारासनादि क्वाथ हमने अभी देख लिया है। तो एक भगवान ब्रह्मा महारासनादि क्वाथ को गर्भधारणार्थक बताते हैं। क्या कहते हैं? भगवान ब्रह्मा इसे महारासनादि क्वाथ को गर्भधारणार्थक कहते हैं, क्योंकि गर्भधारण कर्म करना वात का मुख्य कार्य है और महारासनादि काढ़ा पर्टिकुलरली वात दोष पे कार्य करता है। जो वात की प्राकृत गति बदल के विकृत हो चुकी है, तो उसको अच्छी प्राकृत गति लाने के लिए हमें महारासनादि काढ़ा रिप्रोडक्टिव सिस्टम या अदर सिस्टम में हेल्प करता है। इसलिए जो कुछ कंसिक्वेंटली कंसीव के लिए और फर्टिलिटी के लिए जो फैक्टर्स हमें फेवरेबल रहते हैं, वो निर्मिति के लिए हमें महारासनादि काढ़ा इनडायरेक्टली मदद करता है। इसलिए भगवान ब्रह्मा ने महारासनादि क्वाथ को गर्भधारणार्थ ऐसी बड़ी उपमा यहाँ पे दी है। इस तरह हमने आज के लेक्चर में पर्टिकुलरली क्वाथ निर्मिति कैसे की जाती है, क्वाथ का मीनिंग क्या है, क्वाथ निर्मिति समय कितना प्रमाण में जल डालना है, क्वाथ में प्रक्षेप का प्रमाण क्या है, क्वाथ की मेडिकेटेड डोज की मात्रा क्या है, उसके अलावा पुनर्नौष्टक क्वाथ किस तरह निर्माण करते हैं, उसकी क्लिनिकल यूटिलिटी क्या है, महारासनादि काढ़ा उसके कंटेंट्स क्या है, उसकी यूटिलिटी क्या है, इसके बारे में हमने आज के लेक्चर में जान लिया। इस तरह हमने आज क्वाथ पूरे तरह डिकॉशन कषाय निर्यूह डिटेल में जान लिया। आज के लेक्चर से आपको क्वाथ की ओवरऑल प्रोसेस मालूम पड़ी है, लेकिन आयुर्वेदिक फार्मा इंडस्ट्री में क्वाथ में अब कुछ चेंजेस आ रहे हैं। क्वाथ को हम उसके कुछ डीमेरिट्स है वो वॉश आउट करने का इफेक्ट देख रहे हैं, क्योंकि क्वाथ की सर्वविधता सिर्फ एक दिन बताई है। समझो आप क्वाथ निर्मिति करते हैं तो एक दिन में वो एक्सपायर हो जाता है, लेकिन इसको हमें उसकी एक्सपायरी डेट बनानी, उसकी पोटेंसी बढ़ानी है, उसका टेक्सचर बढ़ाना है, उसका ओवरऑल लुक चेंज करना है, तो हम क्वाथ को अलग अलग तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि क्वाथ का इस्तेमाल करके हम गुड़ुची घन या घन संकल्पना बना सकते हैं, उसके लिए प्रोसेस अलग है। उसका तरफ हम गुटिका बना सकते हैं, वटी भी बना सकते हैं। उस मेडिकेशन बनाते समय एज ए इंटरमीडिएट प्रोसेस हमें क्वाथ इस्तेमाल करना ज़रूरी ही है। तो इस तरह क्वाथ की जो कुछ इम्पोर्टेंस है मेडिसिनल फार्मा इंडस्ट्री में बहुत तौर पे है, क्योंकि क्वाथ हम पेशेंट को दे सकते हैं मोस्टली, क्योंकि जब पेशेंट को अग्निमान दे रहता है तो उस कंडीशन में हम क्वाथ क्यों देते हैं। इसका रीज़न ये है कि जब डिसीज़ अपने फर्स्ट स्टेज में रहता है तो पेशेंट में अग्निमानदेह प्रोड्यूस रहता है, तो उस कंडीशन में हम आसव अरिष्ट नहीं दे सकते, तेल और घृत कल्पना अवलेह कल्पना नहीं दे सकते, क्योंकि पेशेंट का अग्निमानदेह रहता है। तो उस कंडीशन में अग्नि को बल देने के लिए, पेशेंट को बल देने के लिए क्वाथ जो लघु बता है वही हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह क्वाथ की क्लिनिकल यूटिलिटी सबसे ज़्यादा है। थैंक यू। जो लिंक है इस वीडियो में हमने प्रोवाइड की है, वहाँ पे आप हमारे डेमो लेक्चर्स देख सकते हैं। ये सारी सर्विसेज हम आपको कम चार्जेस में प्रोवाइड कर रहे हैं। ये सारे लेक्चर आपको मोरे पब्लिकेशन ऐप पे रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल रहेंगे। तो शुरू करते हैं आपके रसशास्त्र और भेषज कल्पना की जर्नी मोरे पब्लिकेशन ऐप के साथ। थैंक यू।